का ताजा मुद्दा। कर्नाटक हिजाब विवाद में आया अपडेट। पिछले कई दिनों से हिजाब विवाद जारी है, जिस पर आज यानी गुरुवार को हाई कोर्ट की फुल बेंच ने सुनवाई की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और देवदत्त कामत को सुनने के बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे और फैसला आने तक छात्रों को धार्मिक चीजों को पहनकर कॉलेज नहीं आना है। कोर्ट का कहना है कि शांति बनी रहनी चाहिए। संजय हेगड़े ने अपनी दलील में ये कहा है कि यूनिफॉर्म के नियम का उल्लंघन करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में जो भी दंड की व्यवस्था की गई है वह ज्यादातर प्रबंधक से जुड़े मामलों के लिए है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी दलील में कहा है कि इस मुद्दे पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या हेडस्कार्फ पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुए इस विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने मामले की सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक के चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित भी शामिल रहे। इसके पहले बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा था इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में आधा दर्जन छात्रों ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था। दूसरे वर्ष की इन छात्राओं ने हिजाब उतारकर क्लास में बैठने की अपील को खारिज कर दिया। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उडुपी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर चले आए थे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। अब इस विवाद पर सोमवार को कार्रवाई होनी है। धन्यवाद।